Hello students, this is the second lecture of chemistry class 11 chapter 1. In the first lecture we have discussed about matter and its classification. Aaj ka jo lecture hai bachcho, hum log jo discuss karenge wo kuch useful formulas. Aap bologe sir ye useful formula kya hai, to bachcho ghabrane ki bilkul bhi baat nahi hai. Ye useful formula bhi hum logo ne previous standard mein padha hua hai, to 9th standard mein maine आप लोगों को बताया भी था कि आइसोटोप और आइसोबार के बारे में 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा. तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं आइसोटोप्स. पहला हेडिंग सम यूजफुल फॉर्मूलास का आइसोटोप्स. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने जो 9th में पढ़ा था आइसोटोप्स, क्या वो वही आइसोटोप्स है या डिफरेंट है? तो बच्चों आइसोटोप्स वही है, सेम एलिमेंट्स having different atomic masses. Same elements having different atomic masses. कहने का मतलब element same है, तो number of protons और electrons तो same होंगे, लेकिन जो number of neutrons है वो अलग होंगे. Same elements having same atomic number but different atomic mass is called isotopes. आप लोग देख रहे होंगे board पे लिखा हुआ है same elements have a different atomic mass is called isotopes. Different atomic mass का मतलब क्या हुआ बच्चों? Different atomic mass का मतलब हुआ उसमें number of neutrons अलग है. किसी भी element में आप electron add कर सकते हो, proton add electron add कर सकते हो, proton नहीं add कर सकते हो, electron remove कर सकते हो, proton remove नहीं कर सकते. एलिमेंट के एटम के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनका जो ऑर्बिट होता है वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनका अलग अलग एटॉमिक मास है. जैसे कार्बन की मैं बात करूँ तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये 3 मासेस वाले कार्बन हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं. इवन ऑक्सीजन भी 2 मासेस वाले एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18. तो बच्चों आप लोगों को घबराना नहीं है, आइसोटोप्स का डिफाइन लिखना है. एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स. एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मैंने 3 आइसोटोप्स लिखा एग्जांपल में, जिसको प्रोटियम, डिट्रियम और ट्रिट्रियम कहा जाता है. तो बच्चों यहाँ पर एक सिंपल सी वाक्य है कि सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स. तो आप लोग अपने नोटबुक में इस कंसेप्ट को समझने के बाद लिखिएगा एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स नहीं होगा. इसीलिए यहाँ पर देख लीजिए 1H1, 1H2, 1H3 मैंने लिखा है, मतलब एलिमेंट सेम है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है. डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास डिफरेंट है. पर हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि एटॉमिक मास जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे. प्रोटॉन को तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन्स अगर अलग अलग होगा तो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास अलग अलग होगा, जिसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं. दूसरा डिफाइन है हमारा आइसोबार्स. ये अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास. अब अलग अलग एलिमेंट्स हैं और उनका एटॉमिक मास सेम है, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं. अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटॉमिक नंबर, सबका अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, सबका अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, लेकिन पी प्लस एन जिसको एटॉमिक मास कहते हैं वो सेम होना चाहिए. ऐसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग आइसोबार्स कहते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 18, 19 और 20 है और उनका एटॉमिक मास 40, 40, 40. मतलब आर्गन का भी एटॉमिक मास 40, पोटासियम का भी एटॉमिक मास 40 और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40. इससे हमें पता चला कि सब अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटॉमिक नंबर है, लेकिन सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास है. तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप्स. एग्जाम्पल में आप लोग ये लिख सकते. तीसरा हम लोगों का आइसोटोन्स. टोन्स, आइसो आप देख लीजिए सब में है, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम. ISO हमारा इंडिया का ट्रेडिंग मार्क भी है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है आइसो का भी सेम. ओके,
आइसोटोन्स की अगर मैं बात करूं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी आपको बताना पड़ेगा, इसमें एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर अलग होगा या कुछ और। बच्चों सिर्फ जो चीज बराबर है मैंने वहां पर वही लिखा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब हो गया अलग एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब ही हो गया अलग एलिमेंट्स। अगर अलग एलिमेंट्स है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये अलग एलिमेंट्स है तो उनका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा, एटॉमिक मास भी अलग होगा, हमको सेम क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हम लोग निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, n इज इक्वल टू a माइनस z। यस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है p प्लस m, और p का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, तो z प्लस m, a इज इक्वल टू z प्लस m, तो हमारा n का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस z एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो बच्चों ऊपर में हमारा एटॉमिक मास दिया है, नीचे में हमारा एटॉमिक नंबर दिया है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप लोग न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, आप लोग बोलोगे व्हाई नॉट सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो निकाला है आपने, अभी जस्ट सिखाया है n इज इक्वल टू a माइनस z एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 30 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 7, 40 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, अलग एटॉमिक नंबर है, अलग एटॉमिक मास है, लेकिन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इस टाइप के एलिमेंट्स को हम लोग आइसोटोन्स कहते हैं। अब आ जाइए आइसोडाइफर्स। बच्चों मेन क्या, ये सारे यूजफुल फॉर्मूला है, कभी कभी हम लोगों को थोड़ा माइंड को रिव्यू करने के लिए सारे फॉर्मूलाज बनाए गए हैं कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में बढ़िया से कंसेप्ट समझ जाओ, इसीलिए ये पांच या छह जो भी फॉर्मूलाज है वो हम लोगों को समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को काउंट करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं आइसोडाइफर्स के। आइसोडाइफर्स क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। बोलोगे सर ये क्या होता है न्यूट्रॉन, बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने न्यूट्रॉन निकाला, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, बराबर। तो न्यूट्रॉन में से अगर एटॉमिक नंबर को डिफरेंस करोगे जो वैल्यूज आएंगे उस वैल्यूज को हम लोग आइसोडाइफर्स कहेंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आल्सो, बट सेम नंबर ऑफ द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा किसी भी दो एलिमेंट का वो सेम होगा, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग आइसोडाइफर्स कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे ले चल रहा हूँ, बोरॉन और कार्बन। कार्बन जो एटॉमिक नंबर 6 और 13 वाला हमने एटॉमिक मास दिया है, तो C6 13 और बोरॉन 5 11 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। n की वैल्यू निकाले बच्चों, तो बोरन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 5 6, और कार्बन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 6 7। यहां पर अब हमको निकालना है n माइनस p, ये n की वैल्यू हमने निकाला, अब n माइनस p करना है, क्या करना है, n माइनस p। तो अगर बोरन का कीजिएगा n माइनस p तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1, और अगर हम कार्बन का करते हैं तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो दोनों में n माइनस p की वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। तो ऐसे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग आइसोडाइफर्स कहेंगे। तो क्या है आइसोडाइफर्स का डेफिनेशन बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज कॉल्ड आइसोडाइफर्स। नेक्स्ट डिफाइन है हमारा आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है, आइसो तो समझ में आ गया आप लोगों को कि आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, लेकिन स्टर्स का मतलब यहां पर बच्चों डिफरेंट एलिमेंटल कंपाउंड्स। आप यहां पर एलिमेंट्स भी डाल सकते हैं या कंपाउंड्स वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा सूट करेगा। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये वर्ड एलिमेंट्स ना लिख करके आप लोग कंपाउंड लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट
एन इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स किसको कहते हैं बच्चों, कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड का होगा उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जैसे H2O की बात करते हैं तो H2O में दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन 1 और दो ऑक्सीजन, CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3, N2O में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो आप लोगों को पता है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। दो ऑक्सीजन है तो 8 × 2 = 16 + 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बच्चों? 22। कैसे होगा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है उसके इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, लेकिन दो ऑक्सीजन एटम है तो 8 × 2 = 16 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बात करें हम लोग N2O की, तो N2O में क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 7 है, 7 × 2 = 14, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 + 8 दैट इज आल्सो इक्वल टू 22। तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ एटम सेम होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोस्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स। और लास्ट है हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब कंपाउंड या एलिमेंट्स डाल दीजिए, जनरली इसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। आइसो मतलब हो गया सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग चार्ज, कैटायन एनायन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट चार्ज ऑन इट बट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। उसके एग्जांपल्स देख लीजिए आप लोग, O2-, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 जितना भी निगेटिव चार्ज होगा बच्चों उसको प्लस करेंगे और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो अब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या यहाँ पे निकालेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 8 होता है, 8 + 2, क्योंकि 2 माइनस है यहाँ पर, तो 8 + 2 = 10। O2- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। N3-, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐड किया तो 7 + 3 = 10, तो नाइट्रोजन N3- में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 11, और उसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, तो यहां पर हमने क्या किया, 11 - 1, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो 10। नियन का एटॉमिक नंबर 10 होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये चारों एलिमेंट्स जो मैंने लिखा है, इन चारों एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर या फिर जो भी आप इलेक्ट्रॉन्स जैसे भी आप निकालो उस हिसाब से आपके चारों एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों आपने क्या सब सीखा? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइपर्स, आइसोस्टर्स एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए और इस चीज को नोटबुक में लिख लीजिए, अगर नहीं लिखने का मन है तो एटलीस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा डिफाइन लर्न हो जाए, राइट? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आई होप आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा,
बहुत पहले सुना होगा 9th स्टैंडर्ड में, अब 11th में आ गए हो, बहुत पहले हो गया। डाल्टन्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में अपनी थ्योरी दी थी, इसीलिए 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहला थ्योरी था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने 1808 में बताया था कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल कोई है तो वह एटम, एटम से छोटा पार्टिकल कुछ भी नहीं। उनका अपना मानना था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैनॉट बी कट डाउन, विच कैनॉट बी ब्रेक डाउन, विच कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। उनका मानना था कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, और एटम के बारे में सबसे पहले थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉन डाल्टन साहब है, इसीलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं जो आप लोग देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है। उनका पहला पोस्टुलेट था एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स छोटे 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 पार्टिकल्स, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एटम से मिलकर के बने होते हैं। ये डाल्टन का पहला पोस्टुलेट था। द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन इज एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। दूसरा, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं दे आर सेम इन साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी आप कह सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट के अंदर में जो एटम्स होंगे, जैसे सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम के अंदर में जो जो एटम्स हो सारे एटम्स के शेप साइज सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। सो हियर इट्स रिटन ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल हैविंग द सेम शेप साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट ऑफ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप ये अगर कहोगे कि सर सारे एलिमेंट्स के एटम्स तो सेम ही, हम सब लोग तो सेम है, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या हम सबका डीएनए सेम है? नहीं है ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है ना। तो उसी तरीके से अभी जो 118 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो हर एलिमेंट्स का अपना अपना इंडिविजुअल एटम्स होता है। एलिमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स किस चीज से बने हुए, एटम से बने हुए। एलिमेंट्स का मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कराया था, अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। तो यहां पर एक एलिमेंट के अंदर में जो भी एटम्स होंगे उनके शेप, साइज, वॉल्यूम, केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होंगी। लेकिन अगर हम इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को, एक एलिमेंट ले लीजिए हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी ले लीजिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम कहेंगे नाइट्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम दोनों सेम है, नॉट पॉसिबल। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, उनका शेप साइज अलग होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। सो दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन। थर्ड पोस्टुलेट्स है कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ, कोई भी कंपाउंड किस चीज से बनता है, एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो एलिमेंट किन चीजों से बना होता है, एटम से बना होता है। इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इज आइदर एन इंटीजर और अ सिंपल रेशियो। कोई भी कंपाउंड बनता है, तो बच्चों अगर हम बात करें वाटर का H2, तो वाटर एक कंपाउंड है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन के एटम्स है। तो अगर आप इन दोनों के एलिमेंटल के एटॉमिक रेशियो 2:1 कहोगे, हाइड्रोजन दो लेकिन अगर इसके एटॉमिक मास का रेशियो कहोगे तो यहाँ पर 2:16 दैट इज 1:8। तो ये कहने का मतलब था कि कंपाउंड जो है एलिमेंट्स के एटम से मिलकर के बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स दो, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम 1। तो इनका जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। इन एनी कंपाउंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी टू ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इज आइदर एन इंटीजर और अ सिंपल रेशियो। लास्ट पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ओनली सेपरेशन, combination or rearrangement of atom. It doesn't mean that
रिएक्शन कैन क्रिएट एन एटम और डिस्ट्रॉय एन एटम। जिस तरह से आप लोगों ने एल्बर्ट आइंस्टाइन का थ्योरी पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसी तरीके से यहां पर जो हमारा फोर्थ पॉस्टुलेट है वो पॉस्टुलेट है अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द सेपरेशन कॉम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इट डजंट रिजल्ट इन दैट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में आप सोचोगे कि एटम्स का जन्म होता है या एटम्स विनाश हो जाता है, नॉट पॉसिबल। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच यू आर जस्ट अरेंजिंग, कंबाइन कर रहे हो किसी भी दो एलिमेंट्स के एटम्स को, कंबाइन कर रहे हो आप, उसमें न्यू एटम्स जनरेट नहीं कर रहे हो या किसी कंपाउंड में से आप एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ उनको या तो कंबाइन कर रहे हो, उनको सेपरेट कर रहे हो या फिर उनको रीअरेंज कर रहे हो। तो बच्चों ये था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इनके पोस्टुलेट्स को लर्न करने के लिए एक बार और रिविजन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। इसको अपने भाषे में भी आप लिख सकते हो, देखो लैंग्वेज इज योर, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, अपने लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक साइज शेप वॉल्यूम एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा उसी में लिख दिया हूं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, एक एलिमेंट्स के एटम और दूसरे एलिमेंट्स के एटम ये दोनों डिफरेंट होंगे। तीसरा पॉइंट, कोई भी कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा उसमें या तो आपका एक इंटीजर मिलेगा अदरवाइज सिंपल रेशियो मिलेगी, जो भी कंपाउंड जो एलिमेंट्स के एटम से मिलकर के बने। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स का या तो कॉम्बिनेशन है, सेपरेशन है या फिर अरेंजमेंट है, ना कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। तो बच्चों ये था हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन साहब ने 1808 में दिया। आशा करता हूं आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों जैसे ही डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दी थी तो कुछ साइंटिस्टों ने फिर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा नाइन्थ स्टैंडर्ड में, जैसे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये अब कह पाना कि कोई भी मैटर जो है सिर्फ एटम से बने होते हैं ये, लेकिन एटम्स भी कोई ना कोई सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। तो इसका जो पहला लिमिटेशन आया दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो सबसे पहले ये था कि नहीं, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम ही होगा, एटम से छोटा, लेकिन एटम के अंदर में वो जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में डाल्टन साहब ने नहीं बताया था, तो ये उनका पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट इज कैपेबल फॉर देयर इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस इन एन एटम बट इन ग्रुप्स। मतलब उनका कहना था कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इनका एक और लिमिटेशन है कि छोटे छोटे एटम्स एक ग्रुप मिलकर के कंपाउंड बना करके मॉलिक्यूल बना करके इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। तीसरा था, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं, डाल्टन साहब ने ये भी नहीं बताया था। और चौथा इनका लिमिटेशन था, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट या डज नॉट एक्सप्लेन द सर्टेन सब्सटेंसेस आर कंटेनिंग एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट दे शुड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन्होंने डाल्टन साहब ने ये भी नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं भाई सेम एलिमेंट है तो सेम ही केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन उस एलिमेंट से बनने वाले जो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ये हमारे डाल्टन साहब ने एक्सप्लेन
नहीं किया था, तो ये सारे लिमिटेशंस आप लोगों को कैसे नहीं एक्सप्लेन किया था, तो बच्चों आप लोगों को पता होगा ग्रेफाइट, चारकोल और डायमंड तीनों के तीनों कार्बन से बने हुए हैं। लेकिन अगर आप तीनों की प्रॉपर्टीज के बारे में टच करोगे तो चारकोल का अलग प्रॉपर्टीज होगा, ग्रेफाइट की अलग प्रॉपर्टीज होगी और डायमंड का तो अलग होगा ही होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा डायमंड, तो डायमंड की अलग प्रॉपर्टीज होगी। तो ये सारे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा दैट वर यूजफुल फॉर्मूलास, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइवर्स, आइसोस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉन, उसके बाद हम लोगों ने सीखा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद हम लोगों ने सीखा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज के इस पूरे लेक्चर को आप लोग नोट्स के रूप में लिख लेंगे और जो भी डाउट्स हो आप लोग इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पेंडेमिक सिचुएशंस में बेनिफिट उठा सके। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।